दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला? दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिला? दुर्योधन को स्वर्ग इसलिए मिला क्योंकि उसने युद्ध में वीरता के साथ लड़ते हुए अपनी जान दी थी। महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने अपने जीवन में क्षत्रिय धर्म का पालन किया और युद्ध में वीरगति प्राप्त की, जिसके कारण उसे स्वर्ग मिला। यह भी कहा जाता है कि दुर्योधन के स्वभाव में दृढ़ संकल्पित होना और लक्ष्य पूरा करने के लिए आजीवन डटे रहना जैसे गुण थे, जो क्षत्रियों के प्रमुख गुण माने जाते हैं। इसके अलावा नारद मुनि ने बताया कि दुर्योधन को बचपन से अच्छे संस्कार नहीं मिले थे, लेकिन उसके स्वभाव में दृढ़ संकल्पित होना और लक्ष्य पूरा करने के लिए आजीवन डटे रहना जैसे गुण थे, जो उसे स्वर्ग में जगह दिलाने के लिए पर्याप्त थे। दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला, इसका प्रश्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में गहरा है। महाभारत के युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने, वे और उनके भाइयों ने स्वर्गारोहण किया, लेकिन दुर्योधन भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसका कारण और प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला? 1. योग्यता का मान्यतावाद। कुछ पौराणिक कथाएं दावा करती हैं कि दुर्योधन ने अपने अंतिम समय में धर्मराज युधिष्ठिर की सत्य प्रतिज्ञा की, समीप से सत्य को जान लिया, जिससे उनका मन शुद्ध हो गया और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। 2. अन्याय की प्रायश्चित। कुछ कथाओं में यह कहा जाता है कि दुर्योधन को स्वर्ग मिला क्योंकि उसने अपने अंतिम क्षणों में अपने भाइयों, सजनों और शत्रुओं सभी के प्रति क्षमा की अपेक्षा की। इससे उनका पाप शुद्ध हो गया और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। 3. विविध धार्मिक परंपराएं। विभिन्न धार्मिक परंपराओं और कथाओं में यह मान्यता है कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग की उपलब्धि हुई, जैसे कि उनका धर्म पत्नी के साथ निरंतर धर्म का अनुसरण करना। दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिला? 1. शरीर का अधिकार। महाभारत में युद्ध के दौरान दुर्योधन का अंत बहुत विशेष तरीके से हुआ। उनका अंतिम युद्ध कार्यक्रम भी उदाहरणीय था। क्षत्रिय के रूप में उन्हें युद्ध के क्षेत्र पर मृत्यु का वरदान मिला, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। 2. धर्मराज की यात्रा। दुर्योधन को धर्मराज युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा में उनका साथ मिला। युधिष्ठिर के स्वर्ग गमन के समय उन्होंने अपने भाइयों और शत्रुओं के साथ धर्म का अनुसरण किया, जिससे उन्हें उनके धर्म के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति हुई। 3. स्वर्ग गमन की प्रक्रिया। धर्मराज युधिष्ठिर के स्वर्ग गमन के समय उनके भाई और शत्रुओं के साथ स्वर्ग के द्वार पर प्रश्न पूछे गए, जिसमें उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार दुर्योधन को स्वर्ग क्यों और कैसे मिला, इसका समाधान धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार विभिन्न हो सकता है। यह विषय धार्मिक कथाओं और परंपराओं का विषय है।